हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केटी वीडियोस। आइए जानते हैं वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक रंगनाथ मंदिर के बारे में। वृंदावन में बना है दक्षिण भारतीय शैली का रंगनाथ जी मंदिर। यहाँ दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार होती है पूजा अर्चना। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित रंग जी मंदिर है। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ के नाम के इस मंदिर को नाम दिया गया है। यह मंदिर सोने के खंभे वाला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1845 में शुरू हुआ था और 45 लाख रुपए की लागत से 1851 में पूरा हुआ। इस मंदिर का निर्माण सेठ राधाकृष्ण और गोविंदा दास ने करवाया था। यह मंदिर काफी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर में देवता को श्री रंगनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है और उन्हें शेष नाग पर शयन मुद्रा में दर्शाया गया है। इस मंदिर में पूजा दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। पहले गैर हिंदुओं को मुख्य मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी जहां देवता स्थित हैं, लेकिन अब वह प्रांगण में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण जी, भगवान नरसिम्हा, रामानुजाचार्य और वेणुगोपाल की मूर्तियां भी हैं। यह मंदिर मार्च अप्रैल के महीने में 10 दिवसीय उत्सव ब्रह्म महोत्सव मानता है। यह त्यौहार रथ के मेले के नाम से मशहूर है, जहां भक्त रथ को मंदिर से खींचकर पास के बगीचे में ले जाते हैं। भगवान का रथ लकड़ी का बना हुआ है और विशालकाय है। यह रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है। इस मंदिर में एक बहुत सुंदर कुंड भी बना हुआ है, जिसमें लकड़ी से बने हुए हाथी और मगरमच्छ की कहानी दर्शाई जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे साल में सिर्फ एक ही बार दर्शाया जाता है। वार्षिक जल विहार उत्सव भी रंगजी मंदिर का एक अन्य मुख्य आकर्षण है। जब बड़ी संख्या में भक्त मूर्ति के अनुष्ठान स्नान में भाग लेते हैं। इस मंदिर के सातवें दरवाजे का नाम वैकुंठ दरवाजा है, जो केवल वैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है। यह दरवाजा केवल साल में एक ही दिन पर खुलता है। मान्यता है कि जिसने इस भी दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए दरवाज़ा खुलता है और भगवान की 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर के अंदर जाती है। पालकी के साथ हजारों लोग इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के चतुर्थ परिक्रमा के विशाल प्रांगण में गरुड़ स्तंभ है। यह 60 फीट ऊंचा है और पूरा सोने से जड़ा हुआ है। इसी वजह से इस सोने के खम्भे वाले मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर एक संग्रहालय और एक शीश महल भी बनाया गया था, जिसमें कृष्ण और विष्णु सहित विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुलता है। सुबह 5:30 बजे मंगल आरती की जाती है। दिव्य आराधना सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक की जाती है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई हो, और अगर आपको ऐसी जानकारियाँ और चाहिए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट।